जामतारा के नारायणपुर प्रखंड के रूपडीह पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजा भीटा में जिला परिषद के सौजन्य से लगा सोलर सिस्टम वाटर सप्लाई 15 दिनों में ही जवाब दे दिया और पानी टंकी से पानी का रिसाव कई स्थानों पर हो रहा है। इससे गांव के लोगों में विभाग के प्रति काफ़ी रोष व्याप्त है। आक्रोशित दर्जनों लोगों ने मांग की है कि इस पानी टंकी को अविलंब ठीक कराया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। गौरतलब हो कि करीब 15 दिन पूर्व से ही 3,83,000 से अधिक लागत से बना सोलर वाटर सप्लाई यंत्र में जगह जगह पानी का रिसाव होने लगा है और पानी भी काफी कम मात्रा में नल से आ रही है, जिससे इस पानी टंकी से भविष्य में लाभ नहीं मिलने की आशंका होने लगी है और यह सरकारी राशि का सीधे सीधे गमन का मामला बनता है। ग्रामीणों ने मांग किया है कि इसे दुरुस्त करवाया जाए, अन्यथा जिला प्रशासन इसके बिल की भुगतान पर रोक लगा दे। पानी टंकी के बारे में आप क्या बोलेंगे? पानी टंकी तो ये गलत तरह से बना दिया गया है और जो सीमेंटेड था, जो सीमेंट वो सही सीमेंट नहीं लगाया है, छाया जैसा सीमेंटेड था और पानी का जो रखाव है वो सही नहीं रह रहा है, लीकेज हो रहा है। उसके बाद जिला परिषद का काम है, उसका रोक लगना चाहिए, मतलब इसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, सही काम होना चाहिए। पानी टंकी लीकेज है? हाँ, पानी लीक कर रहा है टंकी से। पानी टंकी बनाया गया है वो सही नहीं, इसलिए कि इसमें लीकेज आ गया है और पानी का मनी सब नीचे गिर जा रहा है। पानी का सही इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, तो सरकार दिन है कि हम लोग पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए, कि हम लोग सुविधा मिले, हम लोग सब घर पानी पहुँच सके। और यहाँ भी कम से कम जो गरीब गुरबा है उसका घर तक पहुंचा दीजिए आप लोग पानी, तो इंतजाम नहीं कुछ पानी का। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते यही कि इसको पानी सही, आप लोग टंकी सही कराइए। क्या नाम हुआ आपका? आसमा खाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी है। ये पानी टंकी जो जिला परिषद से बना है, क्या कहेंगे आप? जिला परिषद से बनाया है, यही 15-20 रोज हुआ है बनाने में, लगभग एक महीना, तो पानी अभी लीकेज कर रहा है इसमें टंकी में और सब आदमी को परेशानी उठाने पड़ रहा है। पानी सब इधर निकल जा रहा है लीकेज से और जो नल है उसमें पानी जा ये नहीं रहा है, कैसे आदमी लोग नहाएगा, काचेगा और पानी पिएगा, इस तरह से हम लोग को समस्या है। तो जल्द से जल्द इसको बनाना चाहिए, बहुत परेशानी में है गाँव का सब आदमी, हम लोग यहाँ इतना सब जमा हुए हैं और यही कहना है हम लोग को। गुरुधाम है, क्या तकलीफ है पानी टंकी वाला बताइए? पानी का तकलीफ है जो लीक कर रहा है, पानी का कमी जा रहा है नाल में और वायरिंग वाला जो पाइप है थोड़ा कम दिया है, उसको बोले उस टाइम में कि मशीन का जगह पर लगा दीजिए, एकदम पहुंचा दीजिए, वो बोला ठीक है कर देंगे, तो यही देख रहे करिए दिया जो किया है। अभी क्या तकलीफ है? अभी वही पानी का जो कमी हम लोग का है, सबको नहाने धोने ले जाने के लिए। टंकी से क्या तकलीफ है आपको? टंकी में वही लीकेज कर रहा है, नल में उधर कम पानी जा रहा है, एकदम घटिया बनाया है। जामतारा से शशि जोशी की रिपोर्ट।